के ट्रेडर हैं या आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दें, ठीक है। मैं भी आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, बिज़नेस लफ्ज़ है बिज़नेस, सही है। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, ये अच्छा। नंबर फर्स्ट पे होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है नॉलेज, सही है, नौ लिख देता हूँ। अच्छा तीसरे नंबर पे आता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, राइट। अच्छा अब ये देखें, इन्वेस्टमेंट तो आपके पास होगी, अवेलेबल होगी, वो तो साफ ज़ाहिर है। जब आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के बगैर तो कोई भी बिज़नेस नहीं होता, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है नॉलेज, नॉलेज में भी अब मैंने दो चीज़ें ऐड की हुई हैं, सही है। मैं भी आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, ठीक है। वो क्या चीज़ है, एक है सिर्फ नॉलेज, KNOW, ठीक है, और इसके आगे मैंने रखा है सी नॉलेज, सी नॉलेज, इसका मैंने नाम रखा हुआ है सी नॉलेज। सी का मतलब है कंप्लीट नॉलेज। एक होता है इन्फॉर्मेशन देना, कि मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी यार क्रिप्टो ट्रेडिंग है, इसमें इन्वेस्टमेंट करो तो आप लोग अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, इसमें लॉस नहीं है, ये है वो है ETC, ठीक है, फिलहाल। तो उससे ये हो गया सिर्फ नॉलेज। अगर मैं उसके बारे में कंप्लीट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसमें काम कैसे होता है, इसको सेटअप सीखना कैसे है, इसको करना कैसे है, टोटली इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को दूंगा तो वो फिर हो जाएगा कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। अगर किसी बंदे ने क्रिप्टो ट्रेडिंग में उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वो इसीलिए इस वीडियोस को मैंने तकरीबन देनी है 8-10 क्लासेस दूंगा, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा तो आप लोग देख भी सकते हैं। तो जो बंदा ये मेरी 10 क्लासेस देखेगा तो मैं यकीनन कह सकता हूँ लॉस तो वैसे भी नहीं है क्रिप्टो में, लेकिन थोड़ा सेफ़ होके चलेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। अब आगे चीज़ क्या आती है, कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस कौन देता है, जो आपका मेंटर है, जो आपका स्पॉन्सर है, यानी कि जिसके रेफर से आपने क्रिप्टो ज्वाइन की है, स्पॉन्सर बला बला। अच्छा तो वो आप लोगों को कॉन्फिडेंस देगा। इन्वेस्टमेंट आप लोगों के पास आ गई, नॉलेज आ गया, नॉलेज ये आया उसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, कंप्लीट नॉलेज दिया उसने, मुकम्मल आपको साथ लेके चल रहा है तो वो आपको कंप्लीट नॉलेज दे चुका है, ठीक है। अगर नहीं दिया उसने तो आप लोग मेरी वीडियोस से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आ गया कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसने कंप्लीट नॉलेज तो दे दिया, ठीक है। अब उसने बताया नहीं कि काम कैसे करना है। अब सम टाइम्स ऐसा होता है कि अब देखिए मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल भी बताता हूँ, एग्जांपल के साथ बताऊँगा कि क्या काम होता है। तो जब तक वो आप लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं देगा, अब एक मिसाल है, आपने एक मैं पेयर लिखता हूँ क्रिप्टो का है, ये पेयर है, ठीक है। तो अगर मैं आप उसको बताते हैं कि भाई इसके ऊपर ट्रेड करें, बाय करें, ठीक है। तो अब ये अब जिस बंदे को आप बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, अब उसको तो नहीं पता कि कितने दिन में प्रॉफिट देता है कैसे नहीं देता। अब एल्गोडॉन आ रहा है, ठीक है, अब उसने आपने उसको बता दिया है, ठीक है। अब वो बेचारा बैठा रहेगा, उसने तो कहना कि आपने उसके साथ धोखा किया है, ठीक है। उसको मुकम्मल डिटेल दो कि भाई मंथली इतना आपको ओवरऑल, अगर आप क्रिप्टो फिनांस में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट देगा, अगर आप लोग यानी कि रॉयल की यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर आपको पता है कि मंथली बेस पे आपको प्रॉफिट 30-40% दे सकता है, ठीक है, राइट। अब आगे आ जाती है ये तो मैंने बता दिया आपको बिज़नेस के बारे में, कि बिज़नेस में क्या चीज़ आप लोगों को ज़रूरत होती है। बिज़नेस में आप लोगों को ज़रूरत है एक इन्वेस्टमेंट की, दूसरी चीज़ नॉलेज की। नॉलेज में क्या जाता है, एक सिर्फ नॉलेज होता है हाउ नो, और एक चीज़ होती है कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, मुकम्मल कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए जो भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं। तो और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस,
कमा रहा है, ठीक है। जो ज्वाइन कर रहा है वो तो हलाल है, लेकिन जो ज्वाइन करवा के छोड़ रहा है वो बंदा हराम कमा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये हो गया बिज़नेस के बारे में कि बिज़नेस में हमें कितनी चीज़ चाहिए होती हैं। अब आगे मैं लफ्ज़ लिखने लगा हूँ बिनांस, बिनांस। अब बिनांस ये क्या चीज़ है, बिनांस दो चीज़ें हैं। बिनांस वैसे बेसिकली जो बिनांस है ये है मनी एक्सचेंजिंग का प्लेटफॉर्म, जिसमें आप टोटली क्रिप्टो के मेन के एक्सचेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर उन्होंने बिनांस वालों ने ट्रेडिंग का भी ऑप्शन दे दिया, ठीक है। एक हम इसको बोलते हैं एक्सचेंजिंग, सही है। तो दूसरा हमने रख दिया ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। अब देखें इसमें एक्सचेंज भी कर सकते हैं, साफ ज़ाहिर है बिनांस में तो एक्सचेंज होता है, ये आपके यानी कि समझ लो जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे ही हो जाता है, ठीक है। तो आपके इधर डॉलर पड़े होते हैं तो आप ऑनलाइन ही उधर जाके, ये फुल सिक्योर है, इसमें आप लोगों के साथ कोई बंदा धोखा नहीं कर सकता, ये 100% श्योर है, ठीक है। बिनांस में आपके साथ कोई बंदा एक्सचेंज के लिहाज से आपके साथ कोई बंदा धोखा नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में देखें फॉरेक्स ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग में थोड़ा फ़र्क है, ये इसका नाम मैं क्रिप्टो लिख देता हूँ, CYR क्रिप्टो, सही है, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो ये फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स में लॉस प्रॉफिट हर चीज़ आपके अपने हाथ में होती है, और अपन अपने दिमाग से मैनुअली ऑटो जैसे भी करो वो यानी कि थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप वैसे फॉरेक्स तो 100% रिस्की बिजनेस है, सही है, फॉरेक्स जो है 100% रिस्की है। लेकिन इसमें रिस्क इसमें भी है, क्रिप्टो में भी रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट श्योर है, वो मैं बताता हूँ आपको। अब आपने लगा ली एंट्री एल्गो के ऊपर, एल्गो USDT के ऊपर, सही है। अब आपने इसको बाय किया है, ठीक है, राइट। अब मार्केट फिर रही है, थे इधर फिर रही है, ठीक है। अब अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, आपने इसको बाय किया है, रिस्क किया है, आपका लॉस नहीं होगा, आप मार्केट नीचे आ रही है तो आपकी सिर्फ वैल्यू कम हो रही है, सही है, आपका बैलेंस लॉस नहीं होगा। जब भी कभी ज़िंदगी में मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रिस्क क्या है, रिस्क ये है जो नीचे मार्केट घूमती रही है, सही है, ये आपका सिर्फ रिस्क है। मार्केट ओवरऑल आपको प्रॉफिट में लेके जाती है, ठीक है, ओवरऑल दी एंड हमारा प्रॉफिट ही होता है। इसकी अगर मैं छोटी सी मिसाल दे दूँ आप लोगों को, आप एक मोबाइल परचेज़ करते हो, आपने किया $10 का, हम एग्ज़ाम्पल लगा रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी कंपनी ले लो, आप मोबाइल था $10 का, आपने परचेज़ कर लिया, किसी भी बंदे ने परचेज़ कर लिया, ठीक है। अब मार्केट में लोगों ने मोबाइल धड़ाधड़ लेने स्टार्ट कर दिए, सही है। अब फिर मार्केट में स्टॉक बहुत ज़्यादा आ गया मार्केट में मोबाइल का, तो उन्होंने मोबाइल $10 से कर दिया $8, कि मार्केट में स्टॉक बहुत है, स्टॉक निकालना है, ठीक है। अब आपने तो $10 का परचेज़ किया था, अब आपके पास मोबाइल तो वो फुल का फुल है, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है, क्योंकि आपका मोबाइल $8 का हो गया है। फिर आपका हो जाएगा $6 का, एक मिसाल लगाता हूँ मैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा मार्केट में मोबाइल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लोगों को उसकी शिद्दत से इंतज़ार होगा कि ये मोबाइल हमने लेना है, ठीक है। तो फिर वही अगर मोबाइल आप $10 वाला जो मोबाइल है उसकी कीमत अगर आप $15 भी बोलोगे तो वो लोग ले लेंगे, क्यों, उसकी डिमांड बढ़ गई है, सही है, तो वो लोग लेने के लिए एग्री हो जाएंगे। अगर आप शॉप पे भी दोगे, शॉप वाला भी आपसे $15 का ले लेगा, क्यों, उसे पता है कि मेरे पास गाहक पड़ा हुआ है, उसने $20 का लेना है, राइट। ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्रिप्टो में काम कैसे करते हैं, कि क्रिप्टो में लॉस नहीं है, सही है। अब देखें, अब इसको बिनांस में ट्रेडिंग करने के लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए सिंगापुर का एक वो है, हमारा डेवलपर है, तो उसने ना एक रॉयल क्यू के नाम से, रॉयल क्यू,
क्यू के नाम से एक रिपोर्ट बनाया है जो कि आप लोगों को ऑटो ट्रेडिंग करके देगा। अब ये चीज़ सोचने वाली, समझने वाली और गौर से सीखने वाली है, और लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और यहीं पे अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये चीज़ क्या है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो बंदा ये क्लियरली देख लेगा, पहले वाले बता को तो हर किसी को पता होगा, रेल क्यू का भी पता होगा, लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो मे भी किसी ने बताई होगी आप लोगों को तो, लेकिन थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ठीक है। अब रॉयल क्यू में क्या चीज़ है, ये ऑटो ट्रेडिंग करता है, ऑटो ट्रेडिंग, ठीक है। ये आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपकी ये इसको ज्वाइन की जो फीस है वो $120 है, USDT है, सही है। और उसके बाद जब आप इसको एक्टिव कर लोगे, परचेज कर लोगे बिनांस के साथ, वो API पेंडिंग होती है, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज रॉयल की टोटली इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे ज्वाइन करनी है, जैसे भी करना, वो टोटली ETC में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इसको परचेज़ करने के जो चार्जेस हैं वो $120 हैं। अब मैंने बात की है कि ये हमें 30% ग्रो अप देता है, सही है, लेकिन ये 30% किस अकाउंट के ऊपर देता है, सही है, या तो ये आप लोगों को आपका मेंटर बता सकता है या फिर मैं बताऊंगा, जो अच्छा खासा सीख चुका है वो बता सकता है या फिर मैं बता सकता हूं। अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट 1000 USDT से ऊपर है, सही है, और आपने टोटली सेटिंग अपने मेंटर से करवाई है, सही है, जिस बंदे ने आपको बना के दिया है, स्पॉन्सर है आपका, उसने अगर आपको करके दिए सेटिंग खुद, ठीक है, तो आपको 30% श्योरली मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई बात 30% की, कि 30% तो हमें मिलेगा। अब क्या होता है, अब पहले दिन हमें प्रॉफिट हुआ है $2, सही है, अब तीसरे दिन हुआ है $10, दूसरे दिन हुआ है $10, फिर हो गया $25, फिर हो गया $30, फिर हो गया $35, फिर हो गया $0, फिर हो गया $0, फिर हो गया $0, फिर हो गया $0, फिर हो गया $40, फिर हो गया $70। यानी कि मेरे समझाने का मकसद ये है, अगर आपको इसमें किसी दिन नहीं भी पैसे मिलते तो आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि ये क्रिप्टो ट्रेडिंग है, सही, लॉस इसमें बिल्कुल नहीं है। लेकिन इंट्राडे को अगर देखोगे तो फिर आप परेशान हो जाओगे कि यार इंट्राडे का हमें लाजमी आना चाहिए, ठीक है। इंट्राडे ये प्रॉफिट नहीं दे सकता, देते भी हैं स्पॉन्सर, अगर आप लोगों का स्पॉन्सर अच्छा है तो वो देता भी है, सही, मैं लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, मेरे अंडर ज्वाइन हुए हैं, जो मैं भी ज्वाइन हुआ हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी, सही, स्ट्रेटजीज़ अगर अच्छी हैं, अगर आपको स्पॉन्सर ने अच्छी सेटिंग करके दी है तो वो देता है, इंट्राडे भी देता है, ये बात नहीं है। तो अब देखो ओवरऑल आपको जो ये 30% बता रहा हूँ, आपको मंथ के बेस पे चेक करना है, सही है। आपने ये नहीं करना कि यार आप एक दिन प्रॉफिट नहीं हुआ, दो दिन नहीं हुआ, तीन दिन नहीं हुआ, चार दिन नहीं हुआ तो आपने परेशान हो जाना है, अपने स्पॉन्सर को गाली देना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको ये जो बता रहा हूँ रॉयल क्यू के बारे में, ये पूरी मंथ की कैलकुलेशन आपको करके 30% दे सकता है, ये इस चीज़ की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि वो 30% देते हैं, आपकी पेमेंट भी डूबने वाली नहीं है। अब लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि हमारी पेमेंट यहाँ पे रहेगी कि यहाँ पे रहेगी। आपने ये 120 USDT का परचेज़ किया है, उसको कमांड दिए कि आपने मेरे अकाउंट के ऊपर ट्रेड करनी है। जब ये आप रॉयल क्यू परचेज कर लोगे, एक्टिव कर लोगे, फिर इसकी होती है IPI बाइंडिंग होती है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे करनी है। तो वो आप इसको, इसकी IPI बाइंडिंग इसके साथ और इसकी इसके साथ अटैच कर देंगे, तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो बिनांस के अंदर पड़ा रहेगा, सही है, लेकिन ट्रेड ये करेगा, आपकी अमाउंट सेफ है, सही है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल होगा, करेंगे लोग सवाल जैसे मैंने किए हैं, कि अगर रिपोर्ट भाग गया तो, सही है, तो हमें क्या मिलेगा। अब रिपोर्ट इसके अंदर ये तो एक तो आपको 30% देता है, सही है, दूसरा भी इसको मैं आप लोगों को फ़ायदा बताता हूँ, ठीक है। तो अगर ये रिपोर्ट भाग गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है भाई, देखें ये क्रिप्टो ट्रेडिंग है, मैंने आप लोगों को पहले भी वेरीफाई की है कि अगर ये भाग भी जाता है तो आप लोगों का पैसा डूबने वाला नहीं है। क्यों? आप लोगों का पैसा बिनांस में पड़ा हुआ है। आप अगर मैनुअली ट्रेड भी करो ना,
तो फिर भी आप लोग नुकसान में नहीं हो। और देखें, जब ये रिपोर्ट भागेगा, आप लोगों की ट्रेड्स क्लोज करके नहीं भागेगा, ओपन छोड़ के भागेगा। अगर हम एक एग्जांपल लगाते हैं तो अगर ये भाग भी गया है तो आप लोगों की ट्रेडर और ट्रेड्स को हैं जो ओपन करके भागेगा, ठीक है, क्लोज करके नहीं भागता। ये माइंड में रख लें, कोई भी कभी भी ज़िंदगी में अगर रिपोर्ट को आप चेक कर रहे हैं ना, ठीक है, या उसको अपडेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आप लोगों की ट्रेड क्लोज नहीं करता। हाँ, जो बंदा पीछे बैठा हुआ है वो अगर इसको दे दे, अगर उसने नुकसान करवाना है किसी भी कंट्री के बंदों को, तो वो फिर करवा सकता है। लेकिन जो इसका रूल होता है, इसमें जो सेटिंग की हुई है इसमें, सही है, वो ये है कि ये आप लोगों की ट्रेड्स जो हैं ओपन करके भागेगा। ओपन के में पता है कि आपकी ट्रेड्स कभी ना कभी ज़िंदगी में प्रॉफिट में आ जाएंगे। ओवरऑल हमने यही कंसेप्ट किया कि आपकी अमाउंट सेफ है, टोटली सेफ है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन आप लोगों को एक अच्छा मेंटर ढूंढना चाहिए, जो आप लोगों का मेंटर है वो अच्छा होना चाहिए, वो आप लोगों को जो गाइड करे और आप लोगों को बताए। तो अगर ना बताए तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। कुछ लोग ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं तो वो भी लोग टेंशन ना लें। आप लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा। ये मैं ज़रूरी नहीं समझता कि आप लोग मेरे अंडर ही ज्वाइन हों, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम फुल है, सही है। तो मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। तो आप लोग जिसके नीचे अंडर हैं कोई इशू नहीं है, आप जिसके अंडर मर्ज़ी करें। तो बाकी ये है, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होगी तो वो मैं दे दूँगा। अच्छा, ये तो हो गया 30% आप लोगों को कमीशन, सही है, जो वो कमा के देगा, ग्रोथ करके देगा, ठीक है। मैं 30% की बात करूँगा, कभी कभी 20% भी हो जाता है। लेकिन अभी एक साल हुआ है इसको मार्केट में आए हुए, रॉयल की को मार्केट में आए हुए एक साल हो गया है, अभी 25% से डाउन नहीं आया। लेकिन मार्केट की नौयत के मुताबिक अगर देखा जाए, एक साल में ये 25% से डाउन नहीं आया, लेकिन अगर इसकी मार्केट की नौयत देखी जाए, अगर मार्केट फास्ट होती है, कुछ भी होता है, तो वो 20% पे भी आ सकता है मंथली बेस के ऊपर। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब रॉयल की ने एक और ऑफ़र भी हमें दी है। अगर आप अपने रेफर से रॉयल की को एक्टिव किया, अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप लोग कहते हो कि यार हमारे पास अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब आएगी तो हम कर लेंगे, आपको ये देता है रेफरल लिंक कि अगर आप इसको पॉपुलर करते हो, अगर आपकी वजह से अगर आपने किसी को इनको ज्वाइन करवाया है, तो आपको देगा वो 30 USDT देगा। ये रिपोर्ट आपको यानी कि 30 USDT उसी वक्त आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। वो आप बिनांस में ट्रांसफ़र करके आप अपने एक्सचेंज करवा सकते हैं, सही है। अगर आपने कर लिए चार बंदे, मीन कि अपने नीचे आप लोगों के चार लोग हो गए हैं, तो आप लोग सोच लें कि आप लोगों ने जो एक्टिव किया था वो आप लोगों को आपके पैसे कंप्लीट मिल दी, उसने दे दिए, ठीक है, अगर आपने अपने अंडर चार लोग कर लिए हैं, ठीक है। ये इसकी, क्योंकि देखें मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं ना किसी से घबराता हूँ, मैं ओपनली बात करूँगा, बिल्कुल श्योरली करूँगा। आप जो मैं बातें करूँगा वो आपको YouTube पे कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखें मैंने आप लोगों के साथ वादा किया है कि मैं आप लोगों को दूंगा कंप्लीट नॉलेज, जिसने जलना है, जिसने सड़ना है, जिसने जो कहना है कह दे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो कोई देखें, कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अब स्पॉन्सर को तो नहीं पता कि वो बंदा घर की क्या चीज़ बेच के कर रहा है, लोन उठा के कर रहा है, या किसी से उधार लेके कर रहा है, कैसे कर रहा है, सही है। तो लेकिन उसको कंप्लीट नॉलेज देना हमारा मजबूरी होती है, ठीक है। देखें इसमें एक तो ये चीज़ हो गई कि आपको 30% मिलेगा, कन्फर्म है मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग चार लोग ऐड करवाते हो, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक्टिव करवा के इसकी प्रमोशन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों के पास $120 इसको एक्टिव करवाने के हैं, तो फिर आप लोग ये प्रमोशन में रेफरल लिंक में आ जाएँ, सही है। अगर आप किसी एक बंदे को ज्वाइन करवाओगे तो आपको वो देगा $30, 30 USDT देगा, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे 30, अगर आप लोग चार बंदे ज्वाइन करवाते हो, ठीक है, वो आपके पेमेंट पूरी होगी, राइट। अब आगे देखें, अगर ये चार लोग जो हैं, अगर ये $1,000 भी डिपॉज़िट करते हैं, $1,000 USDT ये एक बंदे ने डिपॉज़िट किया, राइट, ये टोटल हो गया हमारे पास $4,000 USDT हो गया। अब इस पे रिपोर्ट करता है मंथली बेस के ऊपर $1,500 प्रॉफिट,
USDT प्रॉफिट करता है। तो इसका 4% आपको रिपोर्ट अपनी तरफ से वो क्या कहते हैं इनमें से जो वो बनाएगा, इसमें ये होता क्या है रिपोर्ट में, मैं भी आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये अगर आपको लोगों को कमा के देना देगा ना $100, यानी कि $100 इसने कमाया है, तो ये 20% खुद रखेगा और $20 खुद रखेगा और $80 आप लोगों के अकाउंट में डालेगा, ये उसी वक्त ही कटौती कर लेता है। ठीक है, ये जो 20% खुद रख रहा है वो जब आप लोगों के अंडर ये लोग ज्वाइन करेंगे, ये वाले लोग जो ज्वाइन करेंगे उसके बाद 1500 USDT आपको देगा, जो 20% उसने खुद रखे होंगे, ठीक है, उनमें से आप लोगों को 4% कमीशन देगा। जो लोग एक्सचेंजिंग करना चाहते रेफरल लिंकर से अपना काम करना चाहते हैं उनको वो 4% जो देगा वो अपने 20% में से देगा। मे भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें से देगा, ये आप लोगों का 15% 1500 USDT पूरा है, ठीक है, उन लोगों का प्रॉफिट पूरा है, उन लोगों का जो वो 30% है वो पूरा है, तो लेकिन जो ये जो $20 खुद रख रहा है उसमें से जो है टोटली जो बना के रहेगा उसने बनाया है, यानी कि देखो अब इसने 15% बनाया है तो 20% तो देखें तकरीबन वो 50% बनाता है, तो वो 20% खुद रखता है तो बाकी 30% आप लोगों को देता है कि हम एग्जांपल लगा रहे हैं, तो वो उन $20 में से यानी कि अपने पैसों में से आप लोगों को जो कमीशन देगा वो इस बंदे को देगा जिस बंदे ने रेफ़र किया आप लोगों को, जो बंदा आप लोगों को स्पॉन्सर है उसको इस $20 में से कमीशन देगा 4%। अब एक मिसाल लगाते हैं, आप लोगों के पास टीम हो गई 20 लोग हो गए आप लोगों के पास, इंटरेक्ट हो जाए कोई इशू नहीं है, ठीक है, इंटरेक्ट हो जो कंप्लीट हो जाती है, तो अगर आप लोगों के पास 20 बंदे की टीम हो गई, आप लोगों को यहाँ से जो कमीशन आता है पर डे का तकरीबन मैंने जो एवरेज लगाई है 50 to $80 आता है पर डे का, 24 घंटे का आपको जो प्रॉफिट आएगा अगर आप लोगों ने अपने 20 लोगों की टीम बना ली है तो, ठीक है जी। तो बाकी तकरीबन इतने काफ़ी है वीडियो आज के लिए, मैं ट्राई करूँगा कि कल मैं आप लोगों को बताऊँगा, आज तो थी रॉयल क्यू के बारे में हाव नाउ, ठीक है, तो कल मैं आप लोगों को बिनांस में और रॉयल क्यू में अच्छे वाला अकाउंट बनाना सिखाऊँगा और बाइंडिंग भी कर साथ में कर दूँगा, ठीक है, तो उसके बाद मैं करूँगा फिर आगे बताऊँगा कि हमने रिपोर्ट कैसे सेट करना है और एक्टिव कैसे करना है और इसमें स्ट्रेटजी कैसे ऐड करनी है और अपनी तरफ से हम मैनुअली कैसे कर सकते हैं और उनकी स्ट्रेटजी में एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो हम अपने अकाउंट को अभी देखें 30% है, हम इसको 50% पे भी लेके जा सकते हैं, सही है, उसकी मैं तरीका बताऊंगा कि हम इसको 50% पे कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये असल में बेसिकली ये चीज़ ऐसे है, अब देखें ट्रेडिंग से भी अच्छा पैसा आता है वो बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ ऐसे है कि अब देखें अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें तो कोई अगर किसी ने गवर्नमेंट की जॉब लेनी है ना तो वो 2 लाख रुपए कम से कम रिश्वत देता है, तो अगर आप लोग 2 लाख रिश्वत देने के बजाय अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो 2 लाख रुपए तो आपको मंथली कम अज़ कम अगर आप उधर 2 लाख दे के तनख्वाह वो सैलरी लोगे वो कम अज़ कम आपको 30-35 हज़ार मिलेगी, अराउंड अबाउट 40 हज़ार मिल जाएगी, तो वो 40-45-50 हज़ार तक ये आपको सेफ देता है, सिर्फ सोचने की थिंकिंग करने की बात है। तो बाकी आप लोग देखें थोड़ा मज़ीद मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो भी वीडियो बन चुकी है 25 मिनट की, तो मैं इख्तिताम करता हूँ वीडियो का, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं इधर अपना नंबर टाइप कर देता हूँ, पाकिस्तान के ऑल वर्ल्ड से कोई भी मुझे कॉल कर सकता है, कॉल भी कर सकता है, व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप एंड कॉल्स, ओके, ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।